हेलो बच्चों, यह कंसेप्ट वीडियो ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस पर आधारित है। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस। अब बच्चों, आपके ट्रांजिस्टर में तीन रीजन होते हैं, नेमली एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अब चूंकि ये तीन टर्मिनल हैं, आपको एक सेट ऑफ इलेक्ट्रोड से इनपुट देना है और दूसरे सेट ऑफ इलेक्ट्रोड से आउटपुट लेना है। तो वन ऑफ एमिटर, बेस और कलेक्टर हैज़ टू बी कॉमन बिटवीन बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स। तो हम बारी बारी से एमिटर, बेस और कलेक्टर को कॉमन टर्मिनल बनाएंगे और उसके परिणाम स्वरूप जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, हम उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के रूप में रिकग्नाइज करेंगे। सो बेस्ड ऑन कॉमन टर्मिनल, आपके तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमन एमिटर, the other one is common base configuration and third one is common collector configuration. तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर common emitter configuration। अगर आप देखें, ये एक NPN transistor है। यहाँ पे बच्चों, हमने base emitter region से input दे रखा है और collector emitter region से हमने output obtain किया हुआ है। और input और output circuit में जो एमिटर का टर्मिनल है वो कॉमन है। सो इनपुट इज बिटवीन बेस एंड एमिटर, आउटपुट इज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। अब बात करते हैं कॉमन बेस की। यहाँ पे जो बेस का टर्मिनल होगा वो इनपुट और आउटपुट रीजन में कॉमन होगा। दैट मींस इनपुट इज गिवन बिटवीन एमिटर एंड बेस एंड आउटपुट इज ऑब्टेन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। जो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे इनपुट इज गिवन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर एंड आउटपुट इज ऑब्टेन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। तो बच्चों, आपने ट्रांजिस्टर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े, मेनली कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर टाइप कॉन्फ़िगरेशंस। बच्चों, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वह इसलिए बच्चों, क्योंकि ट्रांजिस्टर जब बना था बच्चों, तो मेनली इसके सबसे दो इम्पॉर्टेंट यूजेस थे, टू यूज ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एंड एज अ स्विच। तो अगर आपको इफेक्टिवली एम्पलीफायर और स्विच डिज़ाइन करना है ट्रांजिस्टर के थ्रू, तो कॉमन एमिटर इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर डिज़ाइनिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड अ स्विच। तो आइए बच्चों, पहले समझ लेते हैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अच्छा, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेहतर कौन सा होगा, कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए वाइल डिज़ाइनिंग अ स्विच और एम्पलीफायर। तो इसका जवाब है एनपीएन ट्रांजिस्टर। वह इसलिए बच्चों, क्योंकि इसमें हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं, बिकॉज एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इनके कंपोनेंट्स पर। तो बच्चों, ये रहा आपका ट्रांजिस्टर जो हमने रेड कलर के सर्कल से मार्क कर रखा है। ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर रीजन। अब चूंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इनपुट देते हैं बेस एमिटर साइड से, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रखा है VBB। ये वेरिएबल बैटरीज हैं बच्चों, यहाँ पे हम वोल्टेज जो है ये वेरी कर सकते हैं। और R2 इनपुट साइड का रेजिस्टेंस है। ये इनपुट रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों, यहाँ पे हमने R2 लगा रखा है ताकि हम करंट को रेगुलेट कर सकें यहाँ से। VBE बेस और एमिटर इन टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे मेजर करता है। बेस रीजन में कितनी करंट जा रही है वो मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक माइक्रो एमिटर लगा रखा है। सिमिलरली, अगर हम बात करें कलेक्टर एमिटर रीजन की, तो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग के लिए VCC बैटरी हमने लगा रखी है और उस करंट को रेगुलेट करने के लिए हमने R1 रेजिस्टर भी लगा रखा है। तो कलेक्टर और एमिटर इन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे मेजर करने के लिए हमने
यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा रखा है, सिमिलरली एक मिलीएमीटर भी यहाँ पर हमने लगा रखा है, विच कैन मेजर दी वैल्यू ऑफ आई सी, दैट इज द कलेक्टर करेंट। तो बच्चों यहाँ पे हमने बेस एमिटर रीजन को फॉरवर्ड बायस कर रखा है, जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं उसके हिसाब से जो हमारा बेस करंट डेवलप होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक को जब हम प्लॉट करते हैं इसे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। दैट मींस वेरिएशन ऑफ बेस करंट आई बी विद द बेस एमिटर वोल्टेज वी बी ई एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। कुछ इस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे लिखी है बच्चों, कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। वह इसलिए बच्चों क्योंकि अगर आप कलेक्टर एमिटर रीजन का वोल्टेज चेंज करेंगे तो ये जो आईसी है ये आईबी और आईई में कंट्रीब्यूट करेगी, या यूं कहें कि कलेक्टर का करंट बेस के करंट को अफेक्ट कर सकता है। और चूंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है, दैट मींस हम आईबी का वेरिएशन देखेंगे विथ चेंजेस इन वीबीई, यानी बेस करंट का वेरिएशन देखेंगे विथ चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज। तो बच्चों जब हम ये दो क्वांटिटीज को आपस में एनालाइज कर रहे हैं तो हमें तीसरी क्वांटिटी को फिक्स रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर बेस करंट को बेस एमिटर वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज के लिए ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही साथ अगर हम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज भी चेंज कर दें तो आपको कभी भी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेंगे। तो बच्चों कलेक्टर एमिटर रीजन का वोल्टेज हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम धीरे धीरे बेस एमिटर वोल्टेज बढ़ाना चालू करेंगे, फाइनली जाके हमें 0.6 वोल्ट के बाद कुछ करंट मिलता है और 0.6 वोल्ट के बाद हमें फाइनली करंट ग्रो करता हुआ नज़र आता है। तो बच्चों चूंकि अभी आपने सेमीकंडक्टर और डायोड की बायसिंग और उनकी वर्किंग समझ ली है, तो एक बात तो आपको क्लिक कर गई होगी कि जब तक बेस एमिटर साइड का वोल्टेज ये 0.6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक आपको बेस करंट की कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, या यूं कहें कि बेस करंट आपका तब तक ज़ीरो रहेगा। तो एक तरह से ये जो वैल्यू है 0.6 वोल्ट, ये इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ये आपकी इनपुट कट इन वोल्टेज हो गया कि आपको इनपुट वोल्टेज इससे ज़्यादा देना पड़ेगा बॉस, तभी आपका बेस करंट कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगा। डिपेंडेंस ऑफ बेस करंट ऑन वीबीई, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज केप्ट फिक्स्ड बिटवीन 3 वोल्ट टू 20 वोल्ट, यानी कि हम 3 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच का वेरिएशन रख सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू चुनेंगे अगर वीसीई की, तो उसके करिस्पॉन्डिंग आपको अलग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा और आप वो वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, बट थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन आप वो चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप बेस एमिटर वोल्टेज भी चेंज कर रहे हैं और साथ साथ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज भी चेंज कर रहे हैं, तब तो आपको कभी भी सही एनालिसिस नहीं मिलेगा, आपका कभी भी सही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट नहीं हो पाएगा। VCE इज केप्ट लार्ज इनफ टू मेक द बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। ध्यान रहे बच्चों ट्रांजिस्टर ऑपरेट करने का तरीका ही यही है कि आपको बेस एमिटर रीजन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है और कलेक्टर एमिटर रीजन को रिवर्स बायस रखना है। VCE इज इक्वल टू VCB प्लस VBE। अब VBE इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ये बेसिकली इनपुट कट इन वोल्टेज की बात कर रहे हैं। सो सिंस द वैल्यू ऑफ बेस एमिटर वोल्टेज इज 0.6 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट, सो डेफिनेटली कलेक्टर एमिटर वोल्टेज विल बी सफिशेंटली लार्जर देन 0.7 वोल्ट। चूंकि बच्चों इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इस ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ कलेक्टर एमिटर वोल्टेजेस, इसका मतलब ये होगा कि जो रिवर्स बायस रीजन में जो वोल्टेज होगा वो मोस्टली हाई होगा। सो इसका मतलब ये है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आप
कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की 3 वोल्ट से 20 वोल्ट तक आप इस रेंज में निकाल सकते हैं। अभी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज का जो इंक्रीज होगा दैट अपीयर्स एज इंक्रीज इन वीसीबी बट इट्स इफेक्ट ऑन आईबी इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है जिससे कि आपने पिछला कैरेक्टरिस्टिक निकाला था व्हेन वीसीई वाज इक्वल टू 10 वोल्ट, अभी मैं उसको बढ़ा के 12 वोल्ट कर दूं या 15 वोल्ट कर दूं, तो हमारा मतलब यह है कि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद आईबी में बेस करंट में बहुत ज़्यादा तब्दीली, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि वीसीई की एक कांस्टेंट वैल्यू 10 वोल्ट ले लें या दूसरी कांस्टेंट वैल्यू 15 वोल्ट ले लें, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। सो इट इज़ सफिशियंट टू ऑब्टेन अ सिंगल इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। Thus, it is sufficient to determine only one input characteristic. अब बात करते हैं output characteristic की। तो बच्चों, ये output characteristic is a measurement of variation of collector current with variation in collector emitter voltage. और ये जब analysis हम कर रहे होंगे तो हम base current की value constant रखेंगे। अब बच्चों, बेस करंट को हमें कांस्टेंट क्यों रखना है ये समझते हैं। अभी आप इस फिगर को ध्यान से देखें, सर्किट में अगर हम बेस एमिटर वोल्टेज को थोड़ा सा भी बढ़ा दें कट इन वोल्टेज के बाद तो होगा क्या, परिणाम स्वरूप बेस रीजन से इलेक्ट्रॉन करंट और एमिटर रीजन से होल करंट इंक्रीज हो जाएंगी एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आईबी और आईसी की वैल्यू में बदलाव आएगा। यानी कि जैसे ही जब जब आई बी चेंज होगा तब तब आई सी भी चेंज होगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें आई बी की एक फिक्स वैल्यू के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ऑप्टेन करना होगा। दैट मीन्स आई बी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्टेन होते हैं, तो बेटर ये है कि आई बी की वैल्यू को फिक्स रखा जाए और एक सिंगल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाए। उसके बाद हम आई बी की वैल्यूज़ को एक डिफरेंट वैल्यू पे फिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे बेस करंट को हमने फिक्स रखा और कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। दैट मीन्स बहुत ही थोड़े से कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के लिए आपका कलेक्टर करेंट इनक्रीज होता है और थोड़े समय के बाद जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे वोल्टेज आप बढ़ाते हैं कलेक्टर एमिटर रीजन का, करंट जो है वो सैचुरेट कर जाती है। करंट इसलिए सैचुरेट कर जाती है बच्चों कि पहले तो ये समझेंगे कि कलेक्टर एमिटर रीजन रिवर्स बायस है, यानी कि कलेक्टर रीजन से जो करंट फ्लो हो रही है वो रिवर्स बायस वोल्टेज का परिणाम है। दैट मीन्स यह करंट होल्स के मूवमेंट के कारण डेवलप हो रही है। अब होल्स आपके कलेक्टर रीजन में माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, तो इवन दो कलेक्टर रीजन इज मॉडरेटली डोप्ड बट होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कलेक्टर एमिटर रीजन का वोल्टेज बढ़ाने पर भी आपके पास चूंकि माइनॉरिटी कैरियर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपकी कलेक्टर करंट सैचुरेट कर जाएगी। अभी आईबी की एक फिक्स वैल्यू के लिए हमें यह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिला। IB की एक और वैल्यू पे बच्चों, ये जो ब्लू कलर से हमने नीचे 10 माइक्रो एम्पियर लिख रखा है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, बच्चों यह पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने बेस करंट की एक फिक्स वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर के लिए निकाला। अभी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम बेस करंट की फिक्स वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर के लिए निकाल रहे हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम बेस करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो बच्चों, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के हमारे ये ऑब्जर्वेशन रहे, इनिशियली जब कलेक्टर एमिटर रीजन में वोल्टेज बहुत स्मॉल अमाउंट में हम बढ़ा रहे थे तब हमने देखा कि कलेक्टर करंट में जो वेरिएशन है वो लीनियर है और करंट आपकी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रही है। बच्चों, वह इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव स्टेट में नहीं था
आपका बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस नहीं था। बट बच्चों, जैसे ही हम कलेक्टर एमिटर रीजन का वोल्टेज जो है अपने VCC बैटरी से बढ़ाएंगे, तो एक सिचुएशन आएगी सैचुरेशन स्टेट की, जहां पे करंट इज कंट्रोल्ड बाय सप्लाई वोल्टेज। एंड व्हेन VC इज मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू रिवर्स बायस द बेस कलेक्टर जंक्शन, IC ऑलमोस्ट सैचुरेट्स, इट इंक्रीजेस वेरी लिटिल विद कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। तो बेसिकली बच्चों, कंक्लूजन ये है कि जब तक थोड़ा सा वोल्टेज रहेगा, यानी कि जब तक आपका बेस कलेक्टर रीजन रिवर्स बायस नहीं हुआ है, तब तक थोड़ा सा करंट आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा लीनियरली। उसके बाद जैसे ही आप सैचुरेट कर दोगे उस रीजन को, बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करके, वैसे ही आपकी करंट भी सैचुरेट कर जाएगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कलेक्टर करंट चेंजेस विद बेस करंट, दैट इज ट्रू। तो बच्चों, इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज टू द रिजल्टिंग चेंज इन बेस करंट एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। मैथमेटिकली RI इज इक्वल टू डेल्टा VBE डिवाइडेड बाय डेल्टा IB। मेक श्योर दैट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट वाइल कैलकुलेटिंग दिस। आउटपुट रेजिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज टू द चेंज इन कलेक्टर करंट एट कॉन्स्टेंट बेस करंट IB। यह दोनों ही चीजें बच्चों हमने इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से निकाल रखी हैं। सो मैथमेटिकली R आउटपुट इज इक्वल टू डेल्टा VCE डिवाइडेड बाय डेल्टा IC एट सम कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ बेस करंट। नाउ अभी तो चूंकि हमने कुछ इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग हमको कुछ आउटपुट मिला, तो हमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना तो बनता है। नाउ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट एट कॉन्स्टेंट कॉमन एमिटर वोल्टेज व्हेन द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट। सो मैथमेटिकली बीटा AC इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। बच्चों, थोड़ा ऑब्वियस भी लगता है ये कंसेप्ट, क्योंकि हमारा जो आउटपुट निकाल रहे थे हम, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम IC का वेरिएशन देख रहे थे, कलेक्टर करंट में हम इंटरेस्टेड थे। सिमिलरली जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर रहे थे तो हम बेस करंट में इंटरेस्टेड थे, यानी कि बेस करंट से हम बेस एमिटर रीजन से इनपुट दिया, कलेक्टर एमिटर रीजन से आउटपुट लिया। तो कॉमन टर्मिनल को छोड़ दिया जाए तो कलेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक डिवाइडेड बाय उनको एनालाइज करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे हम बेस के कैरेक्टरिस्टिक से। सो एनीवेज, आपका बीटा AC आपकी स्क्रीन पर है, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट करंट। Also, it is also known as signal current gain and its value is very large. If we simplify to find the ratio of IC and IB, we can write beta DC is equal to IC upon IB. तो बच्चों, जो concept आपने सीखे common emitter configuration के, चलिए उनको test करते हैं, देखते हैं कि आप कितना सीख पाए हैं। From the output characteristic shown in the figure, calculate the value of beta AC of transistor when common emitter voltage is 10 volt and collector current is 4 milliampere. बच्चों, पहले तो फिगर देख लेते हैं। तो ये रहा फिगर, अभी आप खुद कैलकुलेट करें, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। तो बच्चों, चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। आपको कलेक्टर करंट की वैल्यू यानी कि IC दे रखा है 4 मिली एम्पियर। तो अभी आपको देखना होगा कि 4 मिली एम्पियर जो वैल्यू है वो किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, यानी कि सबसे पहले तो देखिए कि ये 4 मिली एम्पियर की वैल्यू ये रही आपकी। चलिए, ये हमने पकड़ ली कलेक्टर करंट की वैल्यू। अब ये जो आ रही है ये एक सैचुरेशन लाइन है, ये दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 30 माइक्रो एम्पियर, ये आपके बेस करंट की वैल्यू, और दूसरी है 20
माइक्रो एम्पियर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी ये दोनों लाइंस हैं, ये आपकी कलेक्टर करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि बेस करंट की ये दोनों वैल्यूज के बीच में आपके कलेक्टर करंट की 4 मिली एम्पियर की ये वैल्यू आ रही है। तो अभी देख लेते हैं कि बेस करंट में कितना वेरिएशन करें जिससे आपकी डिजायर्ड वैल्यू मिल पाए। तो ये आपकी अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर का हमने डेल्टा आई बी निकाल लिया। तो अभी 30 माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट कितना था बच्चों? अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ कर्व से ही मिलेगी। एट कांस्टेंट वोल्टेज 10 वोल्ट, कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जबकि वो 10 वोल्ट था, और आईसी आईबी की 30 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 4.5 मिली एम्पियर है। सिमिलरली आईसी आईबी की 20 माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3 मिली एम्पियर। आप देख सकते हैं ये 4 और 2 के बीच में है, 20 माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग आईसी की वैल्यू 3 मिली एम्पियर है। तो अब इस डेल्टा आईबी के करस्पॉन्डिंग डेल्टा आईसी आएगा 4.5 माइनस 3, दैट इज 1.5 मिली एम्पियर। तो आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हो जाएगा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, दैट इज 1.5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 10 माइक्रो एम्पियर, एंड दैट इज इक्वल टू 150, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर।